बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलाम वालेकुम। एक बार फिर से हाजिर हूँ आपकी खिदमत में, क्योंकि यहाँ पर स्क्वाड अनाउंस कर दिया गया अफगानिस्तान क्रिकेट टीम का, वन डे और T20 का। और यहाँ पर स्क्वाड्स के अंदर कुछ ऐसी चेंजेस हैं जो कि मैं नहीं आज क्रिटिसाइज़ करूँगा, आप लोगों ने क्रिटिसाइज़ करना और बताना है कि किस खिलाड़ी को होना चाहिए था और किस खिलाड़ी की यहाँ पर जगह नहीं बनती थी। क्योंकि दोनों स्क्वाड्स अनाउंस कर दिए गए हैं जिसमें T20 भी है और वन डे भी है। कुछ ऐसे खिलाड़ी हैं जिनको आप शायद देखना पसंद नहीं करते, और कुछ ऐसे खिलाड़ी हैं जो डिजर्व करते थे लेकिन वो फिर भी टीम के अंदर नहीं है। उसका नाम जो है आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में मुझे लिखना है। मगर वीडियो आगे बढ़ने से पहले आप हमारे चैनल सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको मजीद भी इंटरेस्टिंग वीडियोस इस चैनल पर देखने को मिलती रहें। सबसे पहले मैं आप लोग के पास यहाँ पर लेकर आया हूँ वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट स्क्वाड, क्योंकि यहाँ पर ओडीआई स्क्वाड में आप 16 मेंबर्स का एक स्क्वाड शामिल किया गया, जो कि जिम्बाब्वे के खिलाफ सीरीज होनी है। आपको पता ही है कि 4 जून से ये सीरीज शुरू होने वाली है। पहले इस सीरीज का जो शेड्यूल था वो 12 जून से रखा जा रहा था कि 12 जून से 24 जून तक जो है इस सीरीज को रखा जाएगा, लेकिन फिर जो है इस सीरीज को जल्दी करके इसके अंदर से कुछ T20 के जो मैचेस हैं वो कम कर दिए गए और यहाँ पर 3 वनडे और 3 T20 जो है वो रखे गए हैं। जबकि अब इन दोनों जो कॉन्टेस्ट हैं फॉर्मेट है उसकी अफगानिस्तान की नेशनल क्रिकेट टीम भी अनाउंस कर दी गई है, हम उसी के बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पर वनडे क्रिकेट टीम में आपको हशमतुल्लाह शाहिदी एक बार फिर से कप्तानी करते हुए दिखाई देंगे, कप्तान बनते हुए दिखाई देंगे। फिर यहाँ पर आपको इब्राहिम ज़दरान को एक और बार देखने को मिलेंगे, क्योंकि इब्राहिम ज़दरान बहुत ज़्यादा ऐसे खिलाड़ी हैं जो कि इन एंड आउट होते रहते हैं। उनकी कंसिस्टेंसी जो है अफगानिस्तान क्रिकेट टीम में वो बहुत ही कम है, ऐसे बहुत कम मैचेस आते हैं जब वो खेलते हैं, कभी रन कर गए तो अगले मैच में, और जैसे ही एक आध मैच में वो फेल होते हैं उनको फौरन से बाहर बिठा दिया जाता है। फिर यहाँ पर नजीबुल ज़दरान एज ए बैट्समैन आपको देखने को मिलेंगे। नजीबुल ज़दरान की अफगानिस्तान क्रिकेट टीम से परफॉर्मेंसेस काफ़ी अच्छी है, क्योंकि वहाँ पर वो एक मैच में फेल होते हैं तो दूसरा मैच जो वो अपने स्ट्राइक रेट की वजह से जितवा ही देते हैं, क्योंकि उनका स्ट्राइक रेट जो हमेशा 120-130 से अबव ही रहता है। फिर यहाँ पर आते हैं रियाज हसन ने अपने डेब्यू से इम्प्रेस सबको किया, डेब्यू पे 50 स्कोर किए, उसके बाद जो है अफगानिस्तान क्रिकेट टीम के लिए बांग्लादेश के खिलाफ भी एक 50 स्कोर की थी, तो 250 जो ऑलरेडी 4 मैच में स्कोर कर चुके हैं, इसलिए रियाज हसन को भी एक बार फिर से मौका दिया गया है। जबकि फिर यहाँ पर रहमत शाह हैं, एक्सपीरियंस है, और रहमत शाह नंबर 4 पे, उनसे बेहतर अफगानिस्तान के पास नंबर 3 या नंबर 4 पे उससे बेहतर कोई बैट्समैन है नहीं। आप यहाँ पर रहमत शाह को खेलते दिखाई देंगे। फिर आपको यहाँ पर मोहम्मद नबी देखने को मिलेंगे, जो कि एक बार फिर से आपको, क्योंकि मुझे लग रहा है कि इनका लास्ट वर्ल्ड कप है तो इनको जो है ट्राई आउट किया जाएगा कि भाई लास्ट वर्ल्ड कप तक इनको खिलाया जाए, क्योंकि जो 2023 का वर्ल्ड कप इंडिया में होना है वो 50 ओवर्स का वर्ल्ड कप, वो मोहम्मद नबी का लास्ट वर्ल्ड कप होने वाला है। इस बारे में भी आप लोग को कन्फर्म अपडेट भी दूंगा, लेकिन फिलहाल ये वीडियो उसके लिए नहीं है। इकराम अली खेल आपको खेलते दिखाई देंगे, जिनको एज ए विकेट कीपर भी यूज़ किया जा सकता है, मगर आपको पता ही है कि विकेट कीपर इनके एक ही हैं जो कि हैं रहमान उल्लाह गुरबाज, आपको एक बार फिर से विकेट कीपर करते हुए दिखाई देंगे। इकराम अली खेल का थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है कि भाई यहाँ पर उनको रखा जाएगा टीम के अंदर या फिर नहीं रखा जाएगा। फिर यहाँ पर आते हैं अजमतुल्लाह उमरजई और फारिद अहमद मलिक शानदार बॉलर हैं, अजमतुल्लाह उमरजई बैटिंग भी कर लेते हैं, बॉलिंग भी करते हैं, अच्छी खासी जो है उनकी पेस है, और मेरे ख्याल से यहाँ पर एक बेस्ट चॉइस है इन दोनों को रखना। फिर यहाँ पर फजल हक फारूकी हैं, जो कि शानदार इंप्रेसिव बॉलिंग कर चुके हैं, हैदराबाद की तरफ से भी उनको खासा ज्यादा मैचेस देखने को नहीं मिले थे जब सनराइज हैदराबाद मुश्किल में होती थी या फिर पहले के आउट होने वाली थी, तभी फजल हक फारूकी को मौके दिया गया। एक मैच में उन्होंने 4 विकेटें भी हासिल की थी, 4/47 जो उन्होंने हासिल किया था। फिर आते हैं यहाँ पर मुजीबुर रहमान को इस साल आईपीएल में मौका नहीं दिया गया, लेकिन अफगानिस्तान क्रिकेट टीम में उनकी जगह 100% बनती है, जाहिर सी बात है वो कोई छीन नहीं सकता, तो यहाँ पर मुजीबुर रहमान भी आपको खेलते हुए देंगे। राशिद खान जो कि अब बॉलर से ज़्यादा एज अ बैट्समैन परफॉर्म कर रहे हैं, क्योंकि आईपीएल में उनकी बॉलिंग से तो हमने 2-3 मैचेस देख के उन्हें जितवाए हैं, मगर बैटिंग उनकी बहुत ज़्यादा इंप्रेसिव है, खासकर जो उनके शॉट्स हैं, जो स्ट्राइक रेट है वो एक बहुत ही शानदार है, और यहाँ पर राशिद खान भी आपको एक बार फिर से खेलते हुए दिखाई देंगे। फिर आते हैं हमारे यहाँ पर शाहिदुल्ला कमाल के साथ यहाँ पर यामीन अहमद जई हैं, जो कि दोनों बॉलर हैं, मुझे नहीं लगता कि इनको टीम में रखा जाएगा, क्योंकि जब मुजीबुर रहमान, मोहम्मद नबी, फजल हक फारूकी, उसके अलावा फारिद अहमद मलिक को भी खिलाया जाएगा, तो यहाँ पर प्लेइंग 11 में इनका रहना थोड़ा सा मुश्किल है, मगर स्क्वाड में जो है इनको रखा गया है। और फिर आते हैं यहाँ पर ज़ियाउर रहमान को एक बार फिर से मौका दिया गया अफगानिस्तान नेशनल क्रिकेट टीम में, बहुत ज़्यादा मैचेस नहीं खेले हैं और कोशिश की जा रही है कि भाई इस बार अफगानिस्तान जो है वो अपनी वर्ल्ड कप की ही तैयारी करे, तभी इसने सारे प्लेयर्स को रखा गया है। 16 मेंबर्स का स्क्वाड है, देखना पड़ेगा कि इसमें से कितने स्क्वाड जो हैं वो कितने जो प्लेयर्स हैं वो आपको प्लेइंग 11 में खेलते दिखाई देते हैं। यहाँ पर इस स्क्वाड में कौन सी कमी है या कौन सी एक प्लेयर की ज्यादती है वो आप लोग मुझे ज़रूर बताइएगा। अब ज़रा T20 स्क्वाड के बारे में बात करेंगे, जो कि इससे बिल्कुल ही अलग है। T20 स्क्वाड में भी 16 मेंबर्स मौजूद हैं, लेकिन इसके जो खिलाड़ी हैं वो इनसे बिल्कुल ही अलग हैं। कुछ ऐसे खिलाड़ी हैं जो कि दोनों फॉर्मेट्स में हैं, मगर ज़्यादातर खिलाड़ी जो हैं वो आपको एक अलग ही प्लेयर देखने को मिलते हैं। यहाँ पर नजीबुल ज़दरान हैं, दरविश रसूली को यहाँ पर रखा गया, जो कि वनडे क्रिकेट में वनडे स्क्वाड में शामिल नहीं है। दरविश रसूली आपको
दूर रहेंगे। फिर हजरतुल अज़ज़ाई भी T20 स्क्वाड में शामिल हैं, जो कि PSL में उनकी लास्ट परफॉर्मेंस जो थी वो शानदार थी, उसके बिना पर ही उनको मेरे ख्याल से यहाँ पर रखा जा रहा है। फिर यहाँ पर आते हैं एहसानुल्लाह जन्नत, ये भी आपको पता है कि एक बैट्समैन है और बैट्समैन के तौर पर आपको अफगानिस्तान की टीम में खेलते दिखाई देंगे। उस्मान गनी है यहाँ पर है मोहम्मद नबी, उस्मान गनी एज एन ओपनर भी खेल सकते हैं और वन डाउन पर भी खेलते हैं, उनको एक बार फिर से रखा गया है। यहाँ पर नजीबुल ज़दरान को मौका दिया गया है। उसके अलावा हमारे यहाँ पर निजात मसूद हैं, एक नए खिलाड़ी करके हैं, उन्होंने पहले अफगानिस्तान क्रिकेट टीम में नहीं खेला, निजात मसूद वो भी आपको खेलते दिखाई देंगे। फिर यहाँ पर शराफुद्दीन अशरफ हैं जो कि ऑलराउंडर हैं, वो भी आपको खेलते दिखाई देंगे। आफ्टर दैट यहाँ पर अफसर जजाई हैं, फिर आते हैं यहाँ पर रहमानुल्लाह गुरबाज। अफसर जजाई को भी एज अ विकेट कीपर यूज़ किया जा सकता है, लेकिन उनको प्लेइंग इलेवन में रखना थोड़ा सा मुश्किल इसलिए होगा क्योंकि रहमानुल्लाह गुरबाज की परफॉर्मेंस बड़ी शानदार रही है। उनको गुजरात टाइटंस की तरफ से ज़्यादा मौके दिए नहीं गए, सिर्फ एक या दो मैचेस उन्होंने खेले हैं, मगर फिर भी यहाँ पर अफगानिस्तान क्रिकेट टीम के लिए वो एक हीरा निकल कर सामने साबित आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर चाहे वो T20 हो या फिर वनडे मैचेस हो, यहाँ पर रहमानुल्लाह गुरबाज की परफॉर्मेंस बहुत ही शानदार रही है। अपने पिछले 9 वनडे मैचेस में 3 सेंचुरियां ऑलरेडी स्कोर कर चुके हैं। और फिर यहाँ पर आते हैं अजमतुल्लाह उमरजई, तो शराफुद्दीन अशरफ और अजमतुल्लाह उमरजई दोनों एक ऑलराउंडर के तौर पर देखने को मिलेंगे। फिर राशिद खान भी बैटिंग कर लेते हैं, मोहम्मद नबी भी एज एन ऑलराउंडर खेलते हैं, तो आपको ये चीज़ तो समझनी पड़ेगी कि भाई बहुत ज़्यादा जो है अब फ़र्क नहीं रहा है बैट्समैन और ऑलराउंडर्स में। अफगानिस्तान क्रिकेट टीम में भर भर के इस टाइम पे ऑलराउंडर्स मौजूद हैं। और फिर आते हैं यहाँ पर फारिद अहमद मलिक ने शानदार परफॉर्मेंस दी है पिछले कुछ अनेक मैचेस के अंदर, और फारिद अहमद मलिक के साथ यहाँ पर फजल अक फारूकी आपको देखने को मिलेंगे, क्योंकि अब फजल अक फारूकी जो है वो एक परमानेंट मेंबर बन चुके हैं अफगानिस्तान क्रिकेट टीम के। आपको वो वक्त भी याद होगा जब फजल को रखा जाता था मगर वो खेलते नहीं थे या उनको खिलाया नहीं जाता था, बट अब क्योंकि उनकी परफॉर्मेंसेज IPL में, T10 लीग में, कई ऐसे से जहां पर वो कामयाब बॉलर बनके साबित हुए हैं, तो यहां पर एक बार फिर से जो है उनको रखा गया है अफगानिस्तान क्रिकेट टीम के अंदर। और फिर आते हैं हमारे यहाँ पर करीम जन्नत को एक ऐसा नाम है जो कि असगर अफगान फॉर्मर कैप्टन है अफगानिस्तान क्रिकेट टीम के, उनके छोटे भाई हैं। जब ये खेले जाते थे उनकी कप्तानी में तो लोग कहते थे कि भाई पर्ची है क्योंकि यहाँ पर असगर अफगान की वजह से खेल रहे हैं, लेकिन इसकी कुछ इंडिविजुअल्स ऐसी परफॉर्मेंसेज हैं चाहे वो लीग्स में हो या फिर अफगानिस्तान क्रिकेट टीम की तरफ से हो, आपको ये चीज़ देखनी पड़ेगी कि भाई करीम जन्नत के अंदर टैलेंट तो है। अब वो अलग बात है कि वो पिछला T20 वर्ल्ड कप था, इसको कोई आसिफ अली ने 4 छक्के 1 ओवर में मार दिए थे, तब से जो है इसकी थोड़ी सी बैड इंप्रेशन ज़रूर पड़ा है, मगर स्टिल इसको मौका दिया गया है। फिर आते हैं यहाँ पर राशिद खान के साथ एक और स्पिनर रखा गया जो कि सडनली मुझे लग रहा था कि शायद कैस अहमद को रखेंगे, बट नूर अहमद को मौका दिया जा रहा है। लेकिन कैस अहमद की परफॉर्मेंस बड़ी शानदार है, बैटिंग भी करता है, बॉलिंग भी करता है, यहाँ पर लंदन प्रीमियर लीग में भी शानदार परफॉर्मेंस दी है। और नूर अहमद जो हैं वो भी एक अच्छे खिलाड़ी हैं, पाकिस्तान सुपर लीग में भी खेलते हैं, लंकन प्रीमियर लीग में भी खेलते हैं, कई सारी ऐसी लीग्स हैं जिनमें इनको देखने का मौका मिलता है। IPL में भी राशिद खान के साथ इनको टीम में रखा जरूर गया था, मगर इनकी परफॉर्मेंस जो है वो हमें देखने को नहीं मिली क्योंकि इनको कोई मैच ही खेलने को नहीं मिला। अब यहाँ पर T20 स्क्वाड के 16 मेंबर्स मैंने आपको बताया, मैंने आपको वनडे क्रिकेट के 16 मेंबर्स बताए, अगर आप लोग के जहन में कोई ऐसा नाम आ रहा है जो कि आपको लगता है कि डिजर्विंग था, इस स्क्वाड में होना चाहिए था चाहे वो T20 हो या वनडे हो, तो आप उसका नाम नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए, क्योंकि मैं इसके ऊपर एक अलग सी वीडियो बनाऊंगा और बताऊंगा कि भाई कौन सी प्लेयर्स को रखना चाहिए था या कौन से प्लेयर्स को नहीं होना चाहिए था। ये सब आपने फैसला करना है कि भाई कौन सा प्लेयर इस टाइम पे मौजूद है, वो मेरिट पे है, कौन सा प्लेयर एज अ पर्ची खेल रहा है। आप मजीद वीडियोस के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको मजीद इंटरेस्टिंग वीडियोज़ इस चैनल पर देखने को मिलती रहें। मेरा नाम है मोहम्मद यानस, मिलते हैं किसी वीडियो में, तब तक के लिए आप मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।